कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड स्केड्यूल अ सेशन। These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये toppers आपको exactly वही बताएंगे कि कौन सी book follow करनी है, कौन सा chapter पढ़ना है. They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. मेरा नाम अंकित कुमार है, मैंने 66 BPSC में second rank की प्राप्ति की है। मैं अकबरपुर गांव का निवासी हूँ, जो कि नालंदा district में पड़ता है। मेरे पिताजी किसान हैं। मैंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से शुरू किया था, फिर आगे की शिक्षा मैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बैंगलोर से किया था। मेरी कॉलेज की डिग्री IIT गुवाहाटी से मुझे मिली है। फिर कॉलेज के बाद मैंने UPSC और BPSC की प्रिपरेशन में लग गया था। अगर मैं अपने फैमिली बैकग्राउंड की बात करूँ तो मेरे एक और ब्रदर हैं, जो भी IIT गुवाहाटी से उन्होंने BTech किया था, और अभी एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो बैंगलोर में हैं। और मेरी दो सिस्टर्स हैं, उसमें से एक सिस्टर एज ए वेटनरी ऑफिसर बिहार गवर्नमेंट में है और दूसरी सिस्टर हैदराबाद में रहती हैं। अब हम लोग प्रीलिम्स की, ये जैसे BPSC की जो एग्ज़ाम होती है वो 3 फेज में होती है। फर्स्ट प्रीलिम्स होती है, फिर मेंस, और उसके बाद इंटरव्यू होती है। तो अगर प्रीलिम्स की बात करें तो वो 150 नंबर की होती है। तो 150 नंबर में 110-115 के आसपास का स्कोर सेफ माना जाता है। तो उतना लाने के लिए हमें पहले उसके सारे सिलेबस को डिटेल्स में जानना होगा। प्रीलिम्स में देखा जाए तो साइंस होती है, जो ऑलमोस्ट 30 मार्क्स के अराउंड होती है। तो साइंस के लिए लूसेंट मुझे लगता है वो ऑलमोस्ट 1 good source हो जाता है, क्योंकि उसके अलावा आप अपने जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको हमेशा देखते रहना चाहिए। और फिर अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो मैंने स्पेक्ट्रम से अपने मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री का पढ़ाई किया था। फिर जो बिहार की हिस्ट्री है वो तो मैंने इम्तियाज़ अहमद सर की बुक से पढ़ी थी, जो कि मुझे लगता है काफ़ी सफिशिएंट है। और फिर बिहार की जो ज्योग्राफी है वो भी आप किसी बुक से रेफ़र कर सकते हैं। फिर करेंट अफेयर के लिए तो मंथली मैगजीन पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। और इसके अलावा कुछ जैसे न्यूज़ हो गए या फिर मैपिंग पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चंस मैपिंग से पूछते हैं। तो वो उससे भी ऑलमोस्ट मुझे लगता है 150 नंबर में 4-5 क्वेश्चन मैपिंग के आ ही जाते हैं। फिर मैथमेटिक्स, इसमें 10 नंबर की मैथ्स पूछती है, जो बहुत ही बेसिक होती है, उसमें से आप 10 में 10 आराम से स्कोर कर सकते हैं। फिर इसमें इकोनॉमिक सर्वे और फिर बिहार का सर्वे और फिर बजट, ये तीनों आपको अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि इससे काफ़ी इसका वेटेज काफ़ी हो जाता है और इससे क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। अगर हम पॉलिटी की बात करें तो लक्ष्मीकांत के अलावा मुझे नहीं लगता इसके और कोई सोर्स यूज़ करना चाहिए। तो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत 1 good source है। और ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी का वैसे वेटेज तो काफ़ी कम रहता है, बट फिर भी अगर आपके पास टाइम है तो आप NCERT को रेफ़र कर सकते हैं। जनरली BPSC में ज्योग्राफी का वेटेज ऑलमोस्ट इस अभी रिसेंट में ज्योग्राफी क्वेश्चन के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। जैसे 67 BPSC जो कैंसिल हुए थे उसमें ज्योग्राफी के अच्छे क्वेश्चन पूछे थे। तो ज्योग्राफी में आप NCERT जैसे 11th की फिजिकल ज्योग्राफी हो गया या फिर ये इंडियन ज्योग्राफी हो गया, ये दोनों आप रेफ़र कर सकते हैं। प्रीलिम्स में इसमें आपको अगर आप 3 टाइम्स इसको 3 से 4 बार आपको रिविजन करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम में आपको काफ़ी चीज़ ऐसी होंगी जो समझ में नहीं आएंगे, तो उस टाइम आपको थोड़ी जल्दी जल्दी कर सकते हैं। लेकिन सेकेंड टाइम आप करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आने लगेंगी, जैसे पॉलिटी की हो गई या फिर इकोनॉमिक्स या फिर ज्योग्राफी, ये सब चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। और तो लेकिन अगर थर्ड टाइम करेंगे तो आप काफ़ी आपको जल्दी करना पड़ेगा। साथ में ज़रूरी है कि आप अपने पर्सनल नोट्स बनाएं, ये सब जितने भी सोर्स जैसे पॉलिटी लक्ष्मीकांत का आप नहीं बना सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द जैसे करेंट अफेयर पढ़ रहे हैं या फिर साइंस पढ़ रहे हैं, तो ये सब में आप अपने नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि अपना नोट्स बनाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि उसमें रिविजन करने में आपको काफ़ी कम टाइम लगेंगे। तो ये हो गया प्रीलिम्स। तो इस ये करने पे आप ऑलमोस्ट 110-115 के रेंज में प्रीलिम्स में ला सकते हैं। और अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में अभी 4 पेपर होते हैं। एक तो हिंदी होती है, जो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स क्वालिफाइंग पेपर होता है, तो उसमें मुझे नहीं लगता है ज़्यादा किसी को दिक्कत होनी होगी। और अगर पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, ये तीनों 300-300 नंबर का होता है। तो ये इसका इसी ये 3 पेपर का वेटेज होता है। तो पेपर 1 में जैसे GS1 उसको बोलते हैं, तो उसमें वो 3 पार्ट में होता है। जो थर्ड पार्ट होता है वो स्टैटिस्टिक होता है, वो तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट होता है।
उसको आप प्रीवियस इस क्वेश्चन को रेफर कर सकते हैं, जैसे उसमें आप लास्ट 10 साल के या कितने साल जितने साल के आप कर सकते हैं वो क्वेश्चन आप कर लीजिए, तो उसमें आप ऑलमोस्ट 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखें तो उसमें हिस्ट्री पूछती है, हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर रहती है, जो मुझे लगता है अगर 5 से 6 क्वेश्चन वो ऑलमोस्ट फिक्स रहती है, तो उसका अपना एक पर्सनल नोट्स बना लीजिए जो, और फिर उसे याद भी कर सकते हैं ताकि मेंस में जब आप आंसर लिख रहे हो तो आप आसानी से उसे लिख पाएंगे और इसमें आपके टाइम भी बचेंगे। तो और फिर ये तो आर्ट एंड कल्चर हो गया, इसके अलावा मॉडर्न इंडिया का जो है उसमें भी देखेंगे आप, जो अगर प्रीवियस क्वेश्चन को रेफर करेंगे तो उसमें आपको टोटल 10 से 15 या मोस्ट मैक्सिमम 20 क्वेश्चन मिलेंगे, तो सारे के नोट्स आप अपने या तो गूगल सोर्स से रेफर कर सकते हैं या किसी का पहले किसी का नोट्स हो उससे रेफर कर सकते हैं या फिर स्टैंडर्ड बुक को रेफर कर सकते हैं, तो इससे आप अपना एक बेसिक अपना पर्सनल नोट्स बना लेंगे और फिर उसे याद भी कर सकते हैं ताकि फाइनल में आपको दिक्कत ना हो। और फिर पेपर 1 का पार्ट 2 में जिसे करंट अफेयर का सेक्शन होता है, तो उसमें मोस्टली जो मैंने रेफर किया था वो मंथली मैगजीन को रेफर किया था, जैसे लास्ट टाइम ब्रिक्स के क्वेश्चन आए थे तो उसमें जैसे उस टाइम पे ब्रिक्स काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था, तो इसलिए ब्रिक्स के क्वेश्चन आ गए थे, तो उसमें एक IR पार्ट होता है और फिर कुछ उसमें सेक्शन ऐसे होते हैं जो बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर के भी क्वेश्चन होते हैं, तो ये सब आपको, और फिर कुछ नेशनल न्यूज़ भी होते हैं, तो ये सब आपको देखने पड़ेंगे कि कौन कौन से न्यूज़ इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, तो फिर उसके हिसाब से आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। फिर अगर हम पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में फर्स्ट सेक्शन में पॉलिटी होता है, और पॉलिटी का भी अगर आप इसमें भी प्रीवियस क्वेश्चन को रेफर करेंगे तो आप देखेंगे इसमें 20 to 25 टॉपिक्स होते हैं जो मतलब उसके आप नोट्स तैयार कर सकते हैं, फिर उसे आप आराम से मेंस जैसे पेपर 2 को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो जैसे पॉलिटी में देखा जाए तो फेडरलिज्म इम्पॉर्टेंट हो गया, पार्लियामेंट हो गया, फिर गवर्नर का रोल क्या है या फिर बिहार से रिलेटेड उसका क्या स्पेसिफिक अभी इशू चल रहे हैं या इस टाइप के, आप जो भी करेंट में अगर गवर्नर का इशू चल रहा है या फेडरलिज्म का चल रहा है तो इससे चांसेस रहते हैं कि क्वेश्चन आ जाए, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज बिहार की हो तो। और फिर एक इसमें सेकेंड जो सेक्शन होता है वो इकोनॉमिक्स और फिर ज्योग्राफी इनसे रिलेटेड होती है, फिर या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, थोड़ी इन्वायरमेंट भी ले लेते हैं, तो इनसे भी आप ये मोस्टली या तो बिहार से रिलेटेड थोड़ी स्पेसिफिक रह जाती है या फिर करेंट से स्पेसिफिक रह जाती है, तो इनको भी आप अच्छे से प्रीवियस क्वेश्चन देखते हुए आप अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। फिर थर्ड हो गया इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट, जो कि ऑलमोस्ट देखा जाए तो उसमें भी 15 से 20 टॉपिक्स होती है, तो उसके भी आप अपने पर्सनल नोट्स बना सकते हैं। मैंने विजन मैगजीन पढ़ी थी जिससे मैंने कुछ जो उस टाइम के करेंट टॉपिक्स चल रहे थे उसको मैंने नोट्स बना लिए थे। जो इसके साइंस वाले पार्ट में मोस्टली अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं, जैसे इंडिया ने स्पेस प्रोग्राम में रिसेंट में क्या लॉन्च किए हैं, या फिर अभी मोस्ट हो सकता है नेक्स्ट बार 5G की क्या एप्लीकेशंस है, या फिर इंडिया किस तरीके से उसको मैनेज कर रहा है, तो ये सब क्वेश्चन जो भी अप्लाइड पार्ट साइंस के वो सब आने के काफ़ी चांसेस होते हैं। फिर हम लोग ये बात कर सकते हैं कि मेंस की स्ट्रेटजी आप कैसे कर सकते हैं, कि मेंस में आंसर लिखना कितना इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है आंसर लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बिना आंसर राइटिंग के हो सकता है कुछ लोग बिना आंसर राइटिंग के काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, बट मैंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस तो की थी, जैसे मैंने हिस्ट्री पेपर 1 है उसकी हिस्ट्री की मैंने अच्छे से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की थी, और फिर मैं साथ में UPSC प्रिपरेशन किया था उस टाइम, तो मैं जैसे मेंस टाइम मैंने कुछ टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था तो उसमें मेरी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस काफ़ी हो गई थी, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ऑलमोस्ट लिमिटेड टाइम में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए। और आंसर राइटिंग के लिए मुझे लगता है सबसे अच्छा सोर्स जो है वो प्रीवियस ईयर्स को उठाइए और उसको 3 घंटे में जितने टाइम दिए गए हैं उसमें लिख के देखिए, अगर आपका पेपर अच्छे से कम्प्लीट हो जाता है तो आप ये मान के चलिए आप वहाँ अच्छा कर सकते हैं, तो अच्छा कर पाएंगे। और फिर जो आंसर लिखने का अगर हम तरीका की बात करें तो इसमें हम लगभग 4 से 5 पेज में एक आंसर को लिखना चाहिए। जैसे मेरे साथ जो 65th BPSC में ऐसा हुआ था कि स्टार्टिंग के मैंने 4 से 5 क्वेश्चन को काफ़ी 5-5 पेज में लिख दिया था, बट लास्ट के जो 3 क्वेश्चन थे उसको मैं ऑलमोस्ट 2 से 2.5 पेज में लिख पाया था, क्योंकि उसमें टाइम का फिर मुझे दिक्कत आ गई थी, तो इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा।
जैसे आपको हर एक के लिए जो जैसे अगर 3 घंटे को हम 8 में डिवाइड करके और फिर उस हिसाब से टाइम को अलॉट हर एक क्वेश्चन के लिए बराबर टाइम का अलॉट करना चाहिए ताकि आप सबको एक बैलेंस आंसर लिख सकें। डीकेटी स्टेट पीसीएस। अगर आप केवल स्टेट पीसीएस के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए डीकेटी स्टेट पीसीएस। यहाँ आपको राज्यों की लोक सेवा आयोग से जुड़ी परीक्षाओं के टॉपर्स के वीडियो अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आंसर राइटिंग का तरीका देखें तो उसमें बहुत जरूरी है कि आप जैसे सब जैसे जब यूपीएससी का देखते हैं तो उसमें 200 से 250 वर्ड मैक्सिमम लिखने होते हैं, लेकिन बीपीएससी में देखा जाए तो 4.5 पेज में ऑलमोस्ट 1000 वर्ड के अराउंड आ जाते होंगे। तो उसमें ज़रूरी है कि आप उसको थोड़े एक्सप्लेन में करके लिखें। कोई भी अगर हम सेक्शन ले रहे हैं, जैसे कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसमें हमें उसको सब सेक्शन में डिवाइड करना चाहिए और फिर उसके हर एक पॉइंट में ऑलमोस्ट 4 से 5 लाइन या फिर 7 से 8 लाइन लिख सकते हैं। इस तरीके से आप अच्छे से उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं और फिर ये देखिए कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम उस क्वेश्चन के डायमेंशन खोजिए और फिर एक अच्छा सा वे फॉरवर्ड लिखिए ताकि वो क्वेश्चन को ओवरऑल दिखने में वो अच्छा लगे। और फिर ये ज़रूरी है कि क्वेश्चन को प्रेजेंटेबल ही बनाना चाहिए। आप जैसे क्वेश्चन को अंडरलाइन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हो गए हैं या फिर जो सब हेडिंग हैं उनको आप बॉक्स में डाल सकते हैं। ये सब कुछ चीज़ें कर सकते हैं ताकि जो चेक करने वाला हो उसको भी चेक करने में आसानी हो और फिर उससे आप उसको फाइनली आपको ही फ़ायदा होगा। इसके अलावा एक पेपर ऑप्शनल का होता है जो अपने अपने हिसाब से जिसको जो इंटरेस्ट होता है उस अपने हिसाब से लोग लेते हैं। मेरे भी मैथमेटिक्स में थोड़ी इंटरेस्ट थी तो मैंने मैथमेटिक्स लिया था। फिर अगर हम ओवरऑल मेंस की बात करें तो आपको सबसे अच्छा जो सोर्स है अगर क्वेश्चन का वो प्रीवियस क्वेश्चन है। आप प्रीवियस क्वेश्चन को जितनी बार कर सकते हैं उतनी बार करके देखिए। वो उससे अच्छा क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि कोई कोचिंग या फिर कोई और आपको बना कर देंगी। उसी को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, उसी को आप अपने पर्सनल नोट्स बना सकते हैं। आप सोर्स कोई भी यूज़ कीजिए बट आप उसी के अपना एक नोट्स तैयार कर लीजिए। थर्ड पेज जो होता है वो इंटरव्यू का होता है जो मैंने NSCS और फिर माइंड्स टुगेदर का ऑनलाइन ग्रुप को मैंने ज्वाइन किया था और फिर वहीं से मैंने मॉक दिया था। मैंने ऑफलाइन मॉक ऑलमोस्ट नहीं दिया था। ऑफलाइन में मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स जो मुझे हेल्प किए थे और उन्होंने 3-4 लोग मिलकर मुझे एज ए इंटरव्यूअर की तरह उन्होंने मुझे गाइड किया था। और इंटरव्यू देखा जाए तो मेरा इंटरव्यू ऑलमोस्ट डिसेंट हुआ था और फिर इंटरव्यू देने के बाद मुझे लगा था कि मेरे चांसेस हैं कि मैं BPSC क्लियर कर पाऊँ। और अगर मैं अपने पढ़ने का तरीका की बात करूँ तो मैंने ग्रुप स्टडी में काफ़ी बिलीव किया है। जैसे मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने क्लियर किया है उनके साथ मैं ग्रुप स्टडी मैंने काफ़ी की थी और फिर लास्ट टाइम BPSC में भी मैंने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर नोट्स बनाकर और फिर साथ में हम लोग पढ़ते थे ताकि उससे हमें ये पता चलते रहे कि सामने वाला हमारे आंसर को किस तरीके से परसीव करता है, फिर वो देखता है और फिर उसके हिसाब से हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से फिर ग्रुप स्टडी का काफ़ी इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। इसके अलावा फिर अपना पर्सनल स्टडी तो बहुत ज़रूरी है अभी, क्योंकि पर्सनल स्टडी के बिना तो आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करना बहुत ही मुश्किल है। और फिर अगर मैं अपने सपोर्ट की बात करूँ तो मुझे हमेशा फैमिली या फिर अपने फ्रेंड्स की तरफ से हमेशा से सपोर्ट मिला है, जो कि इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम इस एग्ज़ाम को तैयारी में लगा दिया। तो ऐसे काफ़ी वक्त ऐसे आते हैं जब आपको लगता है कि आप इस एग्ज़ाम को अब नहीं क्लियर कर सकते हो, बट अगर आपके पास अच्छे सपोर्ट हो, आपके पास अच्छे फ्रेंड्स हो तो आप कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। एट लास्ट मैं दिल्ली नॉलेज ट्रस्ट को धन्यवाद कहना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने मुझे अपना स्ट्रैटजी और फिर अपने बारे में बताने को मौका दिया। थैंक यू।